ओहो, फूल तोड़े जा रहे हैं, हैं? एक दुपट्टा तुझ पे बहुत जच रहा है। वैसे तूने दुपट्टा सेल से लिया था ना, लेकिन सरला के महंगे वाले दुपट्टे से लाख गुना अच्छा है। ये सरला ना बड़ी सोचने वाली है। ऐ मेरा दुपट्टा 4,000 का, ऐ मेरी चप्पल 10,000 की। और वो क्या बोलती थी वो बात बात में? So sweet, so simple. अरे बापरे, बंदी है वहाँ। प्राइस टैग है पूरी की पूरी। देखा नहीं था? कैसे टैग लटका के घूम रही थी। और नहीं तो क्या जी? हद तो ना तब हो गई जब मैंने उनकी वो मासी जी है ना जिनका ओपन हार्ट हुआ है, मैंने ना उनकी तबीयत पूछी तो कहने लगी भाई 18 लाख रुपए लगे हैं, तबीयत तो ठीक होनी ही थी। और फिर कहने लगी कि 50,000 की दवाइयाँ आती हैं हर महीने। बताओ जी, यहाँ भी शोशा। हद है। सन्नू की, हम किसी की गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं, आदत ही नहीं है अपनी तो। ना ना जी, बिल्कुल ही नहीं। महफिल जमी हुई है, मतलब सास और बहू की फिर से दोस्ती हुई। थैंक गॉड। हमारी क्या बॉर्डर पे वॉर चल रही है? कुत्ते। सोनू, क्या हुआ दादी? मां, तुझसे कहा था ना इस घर में इसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं है, फिर ये दोबारा यहां कैसे आई? मैंने नहीं रखी दादी। किसने रखी फिर? मैंने। शायद आप लोग सब भूल गए हो कि आज इनकी बरसी है, और बरसी की पूजा के लिए पंडित जी और तस्वीर दोनों की जरूरत पड़ती है। बेटा, शादी वाला घर है, इस साल बरसी रहने दे। जिस दिन ये हमें छोड़ के गई थी उस दिन से लेके आज तक, आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं और आज भी मनाएंगे। परान, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है चाचा, खुशियां बुलाई जा सकती है, दर्द नहीं। फैमिली वैल्यू को याद रखना है तो फैमिली तोड़ने वाले को भी याद रखना होगा। हाय। हाय। अरे मेरी सुनू इतना लो तो कभी नहीं साउंड करती है, क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, बस मम्मी की याद आ रही थी। जब मम्मी की याद आती तो थोड़ा रोना तो आ ही जाता है ना यार। मैं मन करता है कि मम्मी हमें छोड़ के क्यों चली गई, और मुझे पता है कि तेरी मम्मी को ये बात बहुत मैटर करती है। सुनू, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियां मैटर करती हैं और कुछ भी नहीं, और सिर्फ ये मैटर करता है कि मेरी सोनू ने मुझसे कभी आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है, चाहे वो अपनी मॉम की बात हो या अपने एक्स की। उसके और मेरे बीच में सब ओवर हो गया, सब कुछ टोटली खत्म। सोनू, सबका पास्ट होता है, और जो हो चुका है हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने आज पर और अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। हाँ? आ गया लड़की वालों का घर। यू कार थीफ, ये चोर है। लग गई लंका, ये तो 3-in-1 का घर है। भाई आप ये सही एड्रेस तो है ना? जी मैडम, ये सही एड्रेस है।
क्या करूं? ये मिस्टर 3-in-1 तो टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। क्या करूं, अंदर जाऊं ना जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने लगी हो ना। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपना वादा पूरा किया। आंटी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? ये आपके बच्चों का घर नहीं है, बल्कि एक डेंजरस आदमी का घर है। आप यहाँ क्या कर रही है? मुझे बच्चों से मिलवा दो, मुझे। हाँ, मेरे बच्चे। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मिलवाती हूँ, मेरे साथ आइए। चलिए चलिए, आइए 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 आइए। हाँ बैठिए बैठिए, आराम से बैठे। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, लेकिन प्लीज आप शांत हो जाइए, आप यहीं बैठिएगा, मैं आती हूँ। और हाँ, प्लीज 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 कहीं मत जाइएगा, ओके? पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। समझाने में तो किसी की बरसी हो रही है, अब ऐसे मीरिंग का साइज कैसे लाऊं? 300 रुपए का पेट्रोल खर्च करके तुझे भेजा था, इसीलिए नहीं कि तू बहाने बनाए। जब आप किसी की देती ही नहीं हुई है तो बरसी कैसी? अरे हुआ होता तो मुझे पता होता ना। चल, जिस काम के लिए भेजा ना वो काम कर गया, वरना तेरी नौकरी तो गई समझ। अब क्या करूं? इश्की एक, प्रॉब्लम तीन तीन। पहली, ये मिस्टर 3-in-1 जिनकी हॉबी गुस्सा करना है। दूसरी, ये सड़ू सरला आंटी। और तीसरी, ये बेचारी आंटी जो हॉस्पिटल से भागी। आंटी जी कहाँ गए? आंटी जी, मैंने आपसे कहा था ना एक ही जगह बैठे रहिएगा। मैं ना बच्चों के लिए फूल तोड़ रही थी। अच्छा, आप मेरे साथ अंदर चलिए, फिर मैं बच्चों से मिलूंगी ना। एक बार रिंग का साइज ले लूं, उसके बाद आंटी जी को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगी। कभी आंसू नहीं बहाया करते। Thank you.
पूजा संपन्न रही। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये 5.5 लाख के हमारे खानदानी कंगन है, नई बहू को रोके पे देना है, जाके इसको पॉलिश करवा के ले आ। ये जरूर सरला आंटी की होने वाली बहू है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आती हूँ। Excuse me. Excused. तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? काहे बिगड़ रहे हैं बाबूजी? हमें तो लगा कि टाइम बदल गया है। आज इस दुनिया में एक विंडो के पूजा में बैठने को कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन नहीं, आपने बता ही दिया कि आज भी इस दुनिया में एक विंडो के लिए सारे डोर बंद है। ये क्या विंडो लगा रखा है? वो लुगाई जो उनका पति भगवान के पास चला गवा हो। You mean? विंडो। अब रो क्यों रही हो? जिसका पति किस्मत ने छीन लिया, वो औरत रोई नहीं तो कहाँ से बतासे बाटे, नाचे गाए, हिप हॉप करे। ये ना नौटंकी बंद करो तुम, अच्छे से पहचान लिया मैंने तुम्हें, कार चोर। हम जैसे किस्मत के मारे कार पर नहीं चढ़ते बाबूजी, कार हम जैसों पे चढ़ जाते हैं। आई नो इट्स यू। एक बार ये दुपट्टा हटाओ, हटाओ ये दुपट्टा, अपने हटाओ। कभी हमारा चांद सा चेहरा देखना चाहते बापू जी? इस चांद की किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही है। इतना जोर से काहे डांट रहे बापू जी? भाई क्या हुआ? अच्छा तुम दोनों आ गए। ये आपके बड़के भाई हैं? हाँ। ब्याह हुई कब? ना करा दीजिए, भरे बैठे भरे, हमारा चेहरा देखने के लिए मरे जा रहे। अब आप ही बताइए हम अपना फेस ऐसे पराए मर्द को कैसे दिखाते? Just stop it. भैया प्लीज, बेचारी रो रही है। ये नाटक कर रही है, ये वही लड़की है कार चोर। What the fudge? कार थी। सोनू, इसके फेस से दुपट्टा हटा। आप सुन, हटाओ दुपट्टा। सोनू हटाओ। बिटिया समझ, पाप लगेगा पाप। बिटिया मत कर, बिटिया मत कर, बिट्टो की तेरे से
मैंने कहा था ना ये वही है कार थीफ। अब तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि इसके साथ क्या करना है। ये भी कोई कहने की बात है भैया, चलो अंदर चल के चिल करते, बियर शेयर मारते। ये कोई मेहमान नहीं है जो इसकी खातिरदारी करनी है। फिर क्या करना है? पुलिस को बुलाते हैं। एक बार जेल जा चुकी है लड़की, लेकिन सुधरी नहीं है। दोबारा जेल जाएगी तो सुधर जाएगी। पता नहीं इस बार क्या चुराया होगा इस चोर ने। मैं कितनी बार बोलूं मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो? चोरी करने नहीं आई थी तो क्या करने आई थी? मुझे यहाँ पे सहला आंटी ने भेजा था होने वाली दुल्हन का रिंका साइज लेने के लिए। साफ झूठ। सरला जी को फोन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सिंपल कीजिए। हेलो हेलो सरला जी, आपने यहाँ किसी लड़की को भेजा है क्या सोनू की रिंका साइज लेने के लिए? ये मेरी असिस्टेंट इश्की, अब तक वहाँ पहुंची नहीं क्या? नहीं नहीं पहुंच गई, बस बताने के लिए फोन किया था। थैंक यू। सुन लिया जनाब, इतना शक भी करना ठीक नहीं है। रुला दिया बिचारी को। हाँ भाई चलो, अब 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 चलो रिंग का साइज ले लो। एक मिनट। आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं, फोन वॉलेट वॉच सब तो है। फोन वॉलेट वॉच नहीं भूल रहे तुम्हारे भाई। तो क्या भूले? सॉरी बोलना भूल गए। माता रानी, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। होता तो है। होता होगा पर आज नहीं, क्योंकि मैं चोरों को कभी सॉरी नहीं बोलता। फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं। अरे हाँ, आप तो सल्ला आंटी के असिस्टेंट हो। आप मत बोलो भाई, मत बोलो। बस वो चोर वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई नहीं होता ना। आपके मुंह से सॉरी सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन है तू? सावित्री? चीखने की आवाज आई ना तो जस्ट लीव।
दादी क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा था? ये फ्रेम कैसे टूटा? कॉकरोच देख के डर गई थी मैं। कॉकरोच ने फ्रेम तोड़ दिया? जिम जाने वाला कॉकरोच? ओह, कॉकरोच देख के मैं डर गई, तो मेरा हाथ लग गया तो फ्रेम टूट गया। सॉरी। इट्स ओके दादी, हमारे घर में कॉकरोच प्रॉब्लम है। अरे बस कुछ दिन और फिर शादी हो जाएगी, फिर विदाई, एंड देन कॉकरोच गॉन। हट चिपड़ा कहीं का। हम तो डर ही गए थे। डर तो मैं भी गई थी। कहीं मेरी वाली आंटी जी तो नहीं चीखी? कैसे पता करूं? सॉरी माइक, अभी बात नहीं कर सकती। एक बार आंटी जी को ढूंढ के सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसके बाद बात करूंगी। क्या करूं, कैसे पता करूं मैं? घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ हैं। फिर चाहे वो मिस्टर 3-in-1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.